बिहार की जमुई सीट आगामी आम चुनाव में हॉट सीट बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यहीं से राज्य में एनडीए के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। इस वक्त जमुई सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सांसद हैं। उनकी पार्टी केंद्र में सत्ताधारी एनडीए की सहयोगी है। इस बार चिराग पासवान ने इस सीट को विदेश में पढ़े लिखे अपने बहनोई अरुण भारती के लिए खाली किया है। उनकी दावेदारी को चुनौती देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अर्चना कुमारी को चुनाव मैदान में उतारा है। अर्चना कुमारी ने आरोप लगाया है कि अरुण भारती को परिवारवाद का फायदा मिला है। यहाँ के लोग समझ चुके हैं कि ये परिवारवाद, इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा परिवारवाद का। तो लोग समझ चुके हैं, जो देश में थे उनकी तो उनसे कोई ना मिल पाते थे, ना कभी फेस चेहरा देखे थे, तो जो विदेश से आए हैं उनसे लोगों का क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो सब समझ चुके हैं कि स्थानीय को लाना है, हम लोगों का सारे जनता का नारा है, मुद्दा है, स्थानीय को लाना है और बाहरी को भगाना है। दूसरी ओर अरुण भारती का कहना है कि उनकी उम्मीदवारी पर परिवारवाद का मुद्दा उठाना बेकार है, क्योंकि इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही तस्वीर साफ कर चुके हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का परिवारवाद को लेकर के बड़ा ही एक उन्होंने सिंपल सा दिया था एक्सप्लेनेशन कि अगर परिवारवाद, जहाँ पे लोग योग्य है, काबिल है, अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं और वो उनके दिए हुए कार्यों को आगे अगर आगे बढ़ाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हैं, तो ये पॉजिटिव परिवारवाद है। ये ऐसा नहीं है, सकारात्मक परिवारवाद है जहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। नेगेटिव नकारात्मक परिवारवाद तो वहाँ है ना, जहाँ लोग योग्य नहीं है, शैक्षणिक योग्यता नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक पर्टिकुलर परिवार से आते हैं तो उनको दे दी जाती है। अब आप मुझे ये बताइए कि जहाँ से चार चार लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ तो वो समाजवाद है, और जहाँ पे मैं अपनी योग्यता और काबिल के बस अपनी काबिलियत के बल पे चुनाव लड़ रहा हूँ, वहाँ परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। अर्चना कुमारी और अरुण भारती दोनों ही उम्मीदवारों की निगाहें युवा वोटरों को अपनी ओर खींचने पर टिकी है, क्योंकि जमुई सीट पर जीत हार तय करने में इन वोटरों का रोल अहम हो सकता है। आरजेडी उम्मीदवार अर्चना कुमारी का मानना है कि इलाके में बेरोजगारी अहम मुद्दा है, वहीं अरुण भारती मानते हैं कि जमुई निर्वाचन क्षेत्र में चिराग पासवान का काम बोलता है और युवाओं के वोट उनके ही पाले में गिरेंगे। स्थिति ये हो गई है कि युवा भाइयों की शादी नहीं हो रही है क्योंकि उनको रोजगार नहीं। आप पूछ सकते हैं, क्या सही बात है ना? ये लड़की लोगों की तरफ से डिमांड होता है कि जॉब वाले लड़के से शादी करेंगे, और सारे लड़के कुंवारे बैठे हुए हैं, तो सब चाहते हैं कि जल्दी से उनकी शादी हो, उसके लिए तेजस्वी सरकार आए और नौकरी दें, फिर सारे की जिंदगी संवर जाएगी। यूथ को एक तो क्या आपको उसको शिक्षित बनाना होगा ताकि वो योग्य बन सके, काबिल बन सके, और उसको रोजगार देना होगा। अभी चिराग जी के जो कार्य यहाँ किए गए थे, अगर मैं केंद्रीय विद्यालय की ही बात करूँ तो वो शिक्षा में और रोजगार दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत पर्याप्त चीज़ थी, जहाँ पे उन्होंने शिक्षा का एक संस्थान भी बनाया और लोगों को वहाँ रोजगार भी मिले। उसी तरह से अगर जैसे ही मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो यहाँ पे लोग मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे और यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो उनका जो लक्ष्य रहा है कि मैं कैसे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के मुद्दों को हल कर सकूँ जमुई के लोकसभा के निवासियों के लिए, वही लक्ष्य मेरा भी रहेगा और इसी किन्हीं कामों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बिहार की जमुई सीट पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। जमुई के अलावा औरंगाबाद, गया और नवादा सीट पर भी इसी दिन वोट डाले जाएंगे।